वेलकम टू अ न्यू कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। तो आज हम यहाँ देखेंगे इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। ये हमारा पहला लेक्चर है इंडियन पॉलिटी के ऊपर। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जहाँ भी जीएस पूछी जाती है, खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और ये मैं बाइलिंगुअल रखूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं समझाया करूँगा। मेरा नाम आयुष है। ओके, तो इंडियन पॉलिटी का हम लोग यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर ये है कि सेट ऑफ रूल्स है, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। यहाँ मैं इंडिया के स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो किसी भी कंट्री के सिटीजन्स कोई सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं खुद के लिए, अपने लिए, ताकि सोसाइटी में, उनके कंट्री में सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रहे, लॉ उनके लिए इक्वल रहे, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए उनके कल्चर पे, कास्ट पे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए सबके, ठीक है। तो उन सेट ऑफ रूल्स को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई। तो ये पार्ट हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस व्हाट पार्ट आपको पता होना चाहिए, जो वाई पार्ट है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है 31 दिसंबर 1621 से, ईयर 1600। 31 दिसंबर ईयर 1600 से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया बाय रॉयल चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ I, ठीक है, राइट। सो नाउ कंपनी तो बन गई। इसके बाद कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा जहांगीर के कोर्ट में 1608 को परमिशन लेने के लिए कि हमें एक फैक्ट्री खोलनी है। कहाँ पे? सूरत में फैक्ट्री खोलनी है, आप हमें इजाज़त दो। तो जहांगीर ने पहले तो मना कर दिया। फिर 1613 में जहांगीर ने एक फरमान जारी किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन दे दी। फैक्ट्री के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है सर थॉमस रो, इन्होंने फैक्ट्री को बहुत, ईस्ट इंडिया कंपनी को फैलाने में भारत में बहुत अहम भूमिका निभाई, की रोल प्ले किया इन्होंने, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब भारत में, इंडिया में क्या था कि बहुत सारे राजे रजवाड़े थे, बहुत सारे प्रोविंसेस थे। हमारा देश छोटे छोटे प्रोविंसेस में, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। तो हर रियासत में अपना एक अलग रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते थे और कंपनी को हर जगह ट्रेड करनी थी, हर जगह पे फैक्ट्री सेटअप करनी थी, तो हर जगह उन्हें जो राजा शर्त रखा करते थे वो डिफरेंट होती थी। तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया, कहीं पे कुछ मांग लिया, कहीं पे कुछ डिमांड कर दिया राजाओं ने, और ख़ुद कुछ काम करना नहीं था उनको। उनको था कि बस बैठे बैठे हमें, जैसे हम अपनी जनता को एक्सप्लॉइट करते हैं, अब इनको भी एक्सप्लॉइट करें। तो उससे, उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने सोचा कि हमें भारत में पॉलिटिकल पावर्स भी गेन करनी होंगी। उसके लिए उन्होंने दो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बैटल ऑफ पलासी जो 1757 में लड़ा गया और बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में लड़ा गया। इन दोनों लड़ाइयों ने इंश्योर किया, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों लड़ाइयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भारत में इंश्योर किया है, ये दोनों लड़ाइयाँ, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर ने, ठीक है। तो बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया था नवाब ऑफ बंगाल और फ्रेंच अलाई, उनके जो फ्रेंच अलाई थे उनके खिलाफ, और बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के खिलाफ, ठीक है। अब लड़ाई होने के बाद
कंपनी के पास दीवानी राइट्स आ गई कहाँ की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। सो, ये बहुत बड़ी एरिया थी, बहुत बड़े एरिया का दीवानी राइट्स उनको मिल गया। अब दीवानी राइट्स होता क्या है, तो वो सारे अधिकार जो रेवेन्यू से रिलेटेड हों और सिविल जस्टिस से रिलेटेड हों, वो सब आ गई कंपनी के अंडर। ये होता है दीवानी राइट्स। तो एक बहुत बड़ा अधिकार उनके अंदर आ गया था, ये आप जान लो। फिर क्या होता है कि कंपनी के मुलाजिम जो एम्प्लॉयज़ थे वो बहुत रिच हो गए, अमीर हो गए। कंपनी चल गई कर्ज़े में, कंपनी डूबने लगी। तो डूबने से बचने के लिए कंपनी ने क्या किया, वापस ब्रिटेन की ओर गए, अपने गवर्नमेंट के पास गए और कहा कि हमें इससे बाहर निकालो, बेल आउट पैकेज दो हमें। आज के लैंग्वेज में तो ये बहुत सूट करता है कि आप हमें बेल आउट करो, ठीक है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा, समझा, उन्होंने इसके कोर प्रॉब्लम को जानने की कोशिश की, तो पता चला कि कंपनी में करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो इस करप्शन से लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट्स लाने का प्रस्ताव रखा और रेगुलेटिंग एक्ट्स लेकर के भी आए। तो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया आपका 1773 में। फिर इसमें कुछ कमियां थी, कुछ डिफेक्ट्स थे, जिसको रेक्टिफाई किया गया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाकर। उसके बाद चार्टर एक्ट आना शुरू हुआ 1813 में, 1833 में, 1853। यहाँ तक कंपनी का रूल चला, उनके एक्ट्स आते गए, उनको बताता, उनको किस रेगुलेशंस पे, किस रूल्स पे यहाँ पे ट्रेड करना है वो बता दिया गया, किनका क्या रोल होगा वो बता दिया गया, हर कुछ सब कुछ डिफाइन कर दिया गया और कंपनी ने रूल किया टिल 1858। 1858 को जो सारी पावर्स थी, पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जो भी पावर्स थी कंपनी के पास, वो कहाँ शिफ्ट हो गई, डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्राउन। ओके, वो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्राउन चली गई। क्यों चली गई, कंपनी से तंग आके हमारे देश में लोगों ने रिवोल्ट कर दिया 1857 को कि हमें आज़ादी चाहिए, इतना ऑपरेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद वो सारी पावर्स चली गई ब्रिटिश क्राउन के पास और फिर क्वीन मींस ब्रिटिश क्राउन रिस्पॉन्सिबल हो गया सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, सारे डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया ब्रिटिश क्राउन कि अब वो डिसाइड करेगा कि इंडिया में क्या होना है क्या नहीं, ठीक है, राइट। सो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारे कंट्री से रिलेटेड है, जिसमें हमारे कंट्री में क्या हुआ, कौन आए, तो उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा, हिस्ट्री पार्ट को हम लोग बस हल्का हल्का देखते चलेंगे। तो एक व्यक्ति थे श्री एम एन रॉय, इनको कहा जाता है ये पायनियर थे इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो इंडिया में था हुआ, उसके पायनियर एम एन रॉय को माना जाता है। ये 1934 में, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ये इन्होंने प्रपोज किया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज दैट इंडिया शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, राइट। देन आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, कब बनाया, नवंबर 1946 को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था, संविधान बनाना। तो आज़ादी के बाद लग गए सब संविधान बनाने में, तो संविधान बनकर तैयार हो गई और उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसको इनैक्ट किया गया, ये इफ़ेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 को, दो महीने के बाद। ऐसा क्यों हुआ, क्यों दो महीने का इंतज़ार किया गया, इसके पीछे भी एक शॉर्ट हिस्ट्री है। लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में,
उसके बाद 26 जनवरी को ही 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स ने ऑफर दिया था कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो हमारा, इसको हम लोगों ने खारिज कर दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको खारिज कर दिया, नहीं स्वीकारा, और इन्होंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ओके, सो इस कारण से हम लोगों ने 2 महीने वेट किया और 26 जनवरी 1950 को हम लोग अब रिपब्लिक हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लेके आए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु केम टू इंडिया फॉर एस्टेब्लिशिंग ईस्ट इंडिया कंपनी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में बनी, उसका प्रस्ताव लेकर सबसे पहले भारत में कौन आया? ऑप्शन है सर थॉमस रो, रॉबर्ट क्लाइव, कैप्टन हॉकिंस, वॉरेन हास्टिंग। तो इसका आंसर है कैप्टन हॉकिंस। सेकंड क्वेश्चन है, परमिशन टू सेटअप कंपनी इन इंडिया वॉज गिवेन बाय विच एम्पायर? जिस समय कंपनी परमिशन मांगने आई भारत में, उस समय भारत का शासक कौन था? तो ऑप्शन है शाहजहां, शाह आलम सेकंड, औरंगजेब, जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जहांगीर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग और क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड? ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ पे बनाई गई? तो ऑप्शन हैं अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता, मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सूरत। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कब किया गया था? इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी है, इसको देखिएगा आप। अडॉप्टेड ऑन जब भी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, ऑलराइट। एंड व्हेन द क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन इफेक्ट ऑन, अगर यहाँ पे ये ना देखे केम इन इफेक्ट ऑन आए, तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, और आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, सब कुछ हम लोग डिटेल में उसको देखेंगे कि उसमें क्या था, कैसे कैसे चेंजेस आई, और उसके बाद हम लोग हमारे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ेंगे। सो फॉर नाउ हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, आप कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।